दोस्तों, भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापना में कई साधु संत और बड़े नेता आएंगे, लेकिन अगर मंदिर में भालुओं का झुंड या गिद्धों का झुंड आ जाए तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में पूर्ण रूप से भव्य मंदिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो राम राज्य बनने जा रहा है और इसकी तैयारियां भी जोरों पर हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ अजीब और अद्भुत घटनाएं घट रही हैं जो हर किसी को हैरान कर रही हैं, और ये अद्भुत घटनाएं भगवान श्री राम के नाम से जुड़ी। ये कैसा चमत्कार है दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरा हो गया है। 22 जनवरी को उनके प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब राम जन्मभूमि अयोध्या में 3 में से एक चुनी हुई मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि रामलला की 3 मूर्तियों में से एक को गर्भगृह में स्थापित करने के लिए चुना गया है। इसके अलावा करोड़ों भक्त अपने घरों में दीपक जलाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन हर घर दिवाली मनाई जाएगी। रामलला के जीवन को समर्पित समारोह को रामराज्य की स्थापना कहा गया है। ये 22 जनवरी 2024 को होगा। पूरे देश में उत्साह की लहर सुनी जा सकती है। ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत राम की भक्ति में डूबने को तैयार है। अभिषेक समारोह को ना केवल देश बल्कि विदेशी मीडिया भी कवर करेगा। दोस्तों, भगवान राम की मूर्ति स्थापना में कई साधु संत, बड़े नेता और अधिकारी, जन अधिकारी, प्रतिनिधि, मशहूर हस्तियां और लाखों श्रद्धालु शामिल होने आएंगे। लेकिन अगर मंदिर में भालुओं का झुंड या गिद्धों का झुंड आ जाए तो क्या होगा? जी हाँ, थाना खंडासा क्षेत्र के धरोली गांव, आनंद कुमार दुबे, मयंक दुबे, चंद्रकेश रावत, अभिषेक मिश्रा, सचिन पांडे सहित दर्जनों लोगों ने बताया कि गांव के आसपास स्थित बागों में दर्जनों की संख्या में गिद्ध और पक्षियों का झुंड दिखाई दे रहा है, जो एक बहुत बड़ा चमत्कार है और प्रकृति के लिए बहुत अच्छी खबर है। उप विभागीय वन अधिकारी मौके पर टीम भेजी है। गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो मृत जानवरों की सड़ी हुई गर्दन और चेहरे को खाते हैं, इसीलिए बीमारी फैलने का खतरा कम होता है और प्राकृति स्वच्छ हो जाती है। इसी कारण गिद्धों को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। गिद्धों को आज भी सगुन और अपसगुन से जोड़ा जाता है। लेकिन आपको इस बारे में सोचना होगा कि अगर गिद्ध की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है और उनके विलुप्त होने का खतरा है, ऐसे में सवाल उठता है कि जब अचानक दर्जनों की संख्या में गिद्ध अयोध्या क्षेत्र में इकट्ठा हो गए तो ये कहां से आए और ये अयोध्या में ही क्यों आए? आइए इस अद्भुत घटना पर करीब से नजर डालें। दोस्तों, रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के बल पर लंकापति रावण से धर्मयुद्ध किया और अंत में श्रीलंका के राजा रावण को परास्त किया। और आपको यह भी जानना होगा कि राम जी की सेना में कौन था। सबसे पहले राम जी की सेना में राम के अनुयायी महाबली हनुमान, वानर राज सुग्रीव, बाली पुत्र अंगद और असंख्य वानरों की सेना शामिल थी। इसके अतिरिक्त यक्षराज भी थे, अर्थात यक्षराज ऋषि राजा जामपत अपनी सेना में समय समय पर अपनी वानर सेना का नेतृत्व करते थे। इसके अलावा रामायण में एक घटना का जिक्र है जिसमें रावण ने माता जानकी का अपहरण किया था और उन्हें पुष्पक विमान पर ले गया था। रावण की पहली बार मुलाकात हुई थी विशाल पक्षी जटायु से, जिसने हवा में उड़ते हुए बहादुरी से रावण से युद्ध किया और रावण को घायल भी कर दिया। लेकिन रावण के वार से जटायु पक्षी का एक पंख कट गया, जटायु जमीन पर गिर पड़े और माता जानकी का पीछा करते हुए जब राम जी वन के उस हिस्से में पहुंचे जहां पर जटायु गिरे हुए थे, अब जटायु जी ने पूरी कथा उन्हें बताई और अंत समय में अपने प्राण राम के गोद में त्याग दिए। श्री राम जी ने उनका अंतिम संस्कार बड़े श्रद्धापूर्वक किया। यही जटायु पक्षी अब कलयुग में गिद्ध पक्षी के नाम से जाने जाते हैं। खंडासा शहर के धरोली गांव के जंगलों में दर्जनों गिद्ध एक साथ देखे गए तो गांव के सभी लोगों ने कहा ये दुर्लभ था। इतने सारे एक साथ दिखना ये चमत्कार के अलावा कुछ नहीं है। ग्रामीणों का मानना है कि ये गिद्ध कोई और नहीं बल्कि जटायु का अवतार या वंशज हैं, जो अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर राम का दर्शन करने के लिए आए हैं। हम कह सकते हैं कि जटायु अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए अयोध्या आए हैं।
मैं मानता हूँ अयोध्या में विलुप्त प्रजाति के गिद्धों का दिखना किसी चमत्कार से कम नहीं है और लोग इन गिद्धों की पूजा करने लगे हैं, इन्हें जटायुओं का वंशज मानते हैं। अब बात करते हैं बंदरों की। आप जानते हैं कि भगवान श्री राम की सेना में असंख्य बानर थे। उनकी सहायता से भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और आज बंदरों को इसी बानर सेना का प्रतीक माना जाता है। अयोध्या में बंदर अक्सर समूह में देखे जाते हैं, लेकिन बंदरों का इतना बड़ा समूह कहां से आया, आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि चित्रकूट से बहुत सारे बानर अयोध्या आए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बानर सेना स्वयं अयोध्या के भव्य एवं दिव्य दरबार राम मंदिर को देखने और मानो रामलला के अभिषेक में शामिल होने आई हो। हम आपको बता दें कि चित्रकूट को भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है, जहां भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने 14 वर्ष के वनवास के 11 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे। चित्रकूट से बानर आए अयोध्या एक ऐसी दिलचस्प घटना लगती है। दोस्तों, जब आप अयोध्या के पास दर्जनों गिद्ध और बानरों का पीछा करते हुए भालुओं के झुंड को देखते हैं तो ये एक दैवीय चमत्कार जैसा लगता है, क्योंकि भालू अक्सर जंगलों में पाए जाने वाले जंगली जानवर होते हैं। रिहायशी इलाकों में भालुओं का दिखना एक चौंकाने वाली घटना है और रामलला के अभिषेक जैसे विशेष आयोजन से पहले भालुओं का एक झुंड दिखना हर आदमी के लिए चौंकाने वाला है। फिर राम भक्तों का तर्क है कि भालुओं का ये समूह श्री राम के भक्त जामन का अवतार हैं और ये 22 जनवरी को होने वाले अलौकिक समारोह में भाग लेने की इच्छा से आए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जटायु, जामवंत और पूरी बानर सेना सहित भगवान श्री राम पूरी सेना राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंची है। हर कोई अयोध्या में भगवान राम के अभिषेक के लिए जाने की योजना बना रहा है, लेकिन जटायु पक्षी सहित दर्जनों गिद्धों और समुदाय के अवतार कहे जाने वाले भालू के झुंड को देखना एक अद्भुत दृश्य है। ये वाकई लोगों के दिलों को झकझोर देता है। अब ऐसा लगता है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न केवल पुरुष और महिलाएं बल्कि सूर्य देव, नाग, किन्नर और गंधर्व भी हिस्सा लेंगे और स्वर्ग के अन्य सभी देवता भी इस बात की गवाही देंगे। हर कोई जानना चाहता है कि जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या नगरी में बाल अवतार के रूप में अवतरित होंगे तो वो कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या गिद्ध और भालुओं का आगमन सचमुच ईश्वर का चमत्कार है या जटायु और बाकी देवता सच में भगवान श्री राम के जन्म स्थली अयोध्या में राम के दर्शन करने आएंगे? कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। कृपया इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।